हेलो फ्रेंड्स, नीता अंबानी आज किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। अब उनका परिचय यहाँ तक ही सीमित नहीं है कि वह बिजनेस टाइकॉन मुकेश अंबानी की पत्नी हैं। आज नीता अंबानी की अपनी एक अलग पहचान है। जैसे मैं किसी साधारण व्यक्ति से पूछूं कि नीता अंबानी कौन है, तो वह कह देगा मुकेश अंबानी की पत्नी और एक आईपीएल टीम की मालिक है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि नीता अंबानी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डिफरेंट सेक्टर में उनका रोल क्या है। आखिर नीता अंबानी मुकेश अंबानी की पत्नी होने के अलावा कौन कौन से रोल प्ले करती हैं। नीता अंबानी का जन्म मुंबई में 1 नवंबर 1963 को हुआ था। उनकी माँ का नाम पूर्णिमा दलाल और पिता का नाम रविंदर दलाल है। उन्होंने नरसी मोंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से कॉमर्स में बैचलर डिग्री पूरी की थी। नीता एक मिडिल क्लास जॉइंट फैमिली में पली बड़ी हैं। उनके ग्रैंडफादर कोलकाता में एक फ्रेंच टीचर थे। नीता को पढ़ना बहुत पसंद है। उन्हें अपने युवा काल से ही पढ़ने का पैशन रहा है और साथ ही साथ वह एक ट्रेंड भारतनाट्यम डांसर भी हैं। मुकेश अंबानी से शादी के बाद अपने टीचिंग के जुनून को लेकर पटल गंगा के पास एक रूरल स्कूल स्टार्ट किया और फिर उन्होंने जामनगर में एक और स्कूल सेटअप किया और फिर साउथ मुंबई में धीरूभाई अंबानी स्कूल की शुरुआत की। नीता एक लॉयर बनना चाहती थी, लेकिन अपने ससुर की तबीयत खराब रहने के कारण उन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई छोड़ दी। शादी के बाद 20 वर्षों के लिए वह सुर्खियों से बाहर थी। उसके बाद सीएसआर के एक भाग के रूप में नीता अंबानी ने रिलायंस फाउंडेशन के चेयरपर्सन और फाउंडर के रूप में शुरुआत की। नीता अंबानी 2014 में रिलायंस इंडस्ट्री के बोर्ड में सिलेक्टेड हुई और नीता अंबानी ही पहली भारतीय महिला हैं जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मेंबर के लिए चुनी गई। रिलायंस इंडस्ट्री के सभी खेल पहल की नीता अंबानी प्रमुख है, विशेष रूप से क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, टेनिस और गोल्फ एक्स्ट्रा। इन 2016 नीता अंबानी मोस्ट पावरफुल बिजनेस वुमेन इन एशिया बाय फोर्ब्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें।